हेलो स्टूडेंट्स, अवर टुडेज टॉपिक इज़ फ्रूट कॉम्पोजिशन, जिसको ड्रॉ करने के लिए हमें एक सर्कल स्टेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ बॉटल कैप यूज़ किया है, आप कोई भी सर्कल शेप यूज़ कर सकते हो। फोर सर्कल्स हम ड्रॉ कर लेंगे, टू ऊपर की साइड एंड टू सर्कल्स नीचे की साइड, जो एक दूसरे पे ओवरलैप हैं। अभी हम धीरे धीरे अपने सभी फ्रूट्स को पूरा पूरा ड्रॉ करेंगे, कोई भी फ्रूट हम आधा ड्रॉ नहीं करेंगे। पूरे पूरी शेप्स देनी है हमें सभी फ्रूट्स को। और यहाँ पर हम एक ये लीफ ड्रॉ कर देंगे। बनाना के लिए हमने ये आर्क ड्रॉ किया है और इसी में हम बनाना को शेप देंगे। अभी हमारे सारे फ्रूट्स की शेप कंप्लीट हो गई। अब हम अपनी ड्राइंग को फाइनल टच देंगे। तो जितने भी हमारे फ्रूट्स कंप्लीट दिख रहे हैं उनको कंप्लीट ड्रॉ करेंगे, और जो हाइड हुए हैं फ्रूट्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हैं तो वो हम इरेज कर देंगे। जैसे मैंगो हमारा जो है वो थोड़ा सा पार्ट हाइड हुआ है, तो हमने उतना पार्ट इरेज कर दिया। एप्पल हमारा कंप्लीट दिख रहा है और बनाना के पीछे एप्पल भी थोड़ा हाइड हुआ है, तो हम उसको भी वहाँ से इरेज कर देंगे। अब हमारा पियर का थोड़ा पार्ट एप्पल के पीछे हाइड हुआ है, तो वो पियर भी हमने वहाँ से इरेज कर दिया। अभी हमारी ड्राइंग पूरी फाइनल हो गई है, कंप्लीट हो गई है, देखिए। इसीलिए हमने पूरा स्केच ड्रॉ किया था, पूरी शेप्स ड्रॉ की थी, जिससे कि हमारी जो शेप्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं। कई बार जब हम आधी ड्राइंग करते हैं तो वो परफेक्टली ड्राइंग हमारी नहीं आती। अब हम शेडिंग स्टार्ट कर देंगे और ये हैचिंग हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम सिंगल हैचिंग करेंगे शेडिंग के लिए, और ये हमने एक साइड पे हैचिंग कर दी है मैंगो में, उसको क्रॉस हैचिंग से डार्क करेंगे। ओके, यहाँ क्रॉस हैचिंग से हमने एक साइड डार्क कर दी है। हैचिंग और क्रॉस हैचिंग आप सबको पहले भी मैं सिखा चुकी हूँ। और हमने क्या करना है, अपने फ्रूट्स की जो शेड है वो एक दूसरे फ्रूट्स पर आ रही है वो भी शो करेंगे यहाँ। और ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमारा कौन सा फ्रूट डार्क कलर का होता है और कौन सा फ्रूट लाइट कलर का। तो हम जो हमारी जो डार्क शेड है, डार्क फ्रूट है, उसमें हम थोड़ी सी डार्क शेड करेंगे। ओके, सभी में हैचिंग और क्रॉस हैचिंग करनी है, बहुत ही सिंपल शेडिंग है। ये वाला फ्रूट हमने मैंगो से थोड़ा सा डार्क कर दिया है और इसको मर्ज करेंगे साइड से। ध्यान रहे सभी साइड, एक साइड लाइट आनी चाहिए और एक साइड डार्क आनी चाहिए। ओके, डार्कनेस शो करेंगे एप्पल में पीछे की साइड और यहाँ हैचिंग। फिर से क्रॉस हैचिंग और ऊपर से नीचे की ओर हम हैचिंग करेंगे एप्पल में, उसको राउंड दिखाने के लिए। और धीरे धीरे उसको मर्ज कर देंगे, क्योंकि एप्पल डार्क शेड का है इसलिए एप्पल को थोड़ा सा डार्क शेड दिया। पियर हमारा थोड़ा लाइट शेड का रहेगा और ऊपर से नीचे की ओर इसमें भी हैचिंग करेंगे हम लोग और क्रॉस हैचिंग कर देंगे। वन साइड डार्क रहेगी क्योंकि हमारा जो एप्पल है वो उस पर ओवरलैप है, तो थोड़ा सा उसका शेड दिखेगा हमारे पियर पे। इस तरीके से हमारी पूरे पियर की शेडिंग कंप्लीट हो जाएगी। और सेंटर में हमें थोड़ा सा उसमें लाइट दिखाना है, लाइट इफेक्ट दिखाना है, तो हमें वहाँ पर शेडिंग बहुत ही लाइट करनी है। कोई भी बच्चा ऐसे नहीं करेगा कि आप पूरी फिल करने के बाद इरेज करें उसको लाइट दिखाने के लिए, ऐसे नहीं, आपको शेडिंग में ही लाइट दिखानी है। बनाना में भी हमने हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग से अपर साइड डार्क किया है और सभी ड्राइंग हम फाइनल टच में डार्क कर देंगे। और सभी ड्राइंग्स की देखो इस तरीके से हम शेड शो करेंगे,
और जितने भी कॉर्नर्स हैं वो डार्क जाएंगे। इस तरीके से अपनी ड्राइंग हम पूरी फाइनल करेंगे। अभी हमने क्या करना है, बेस शो करना है जहाँ पर ये फ्रूट्स रखे हुए हैं, तो हमें वो सबसे डार्क दिखाना है और जितने भी कॉर्नर्स हैं वहाँ पर ज़्यादा डार्कनेस दिखानी है, क्योंकि वो डीपनेस दिखाने के लिए हमें डार्कनेस दिखानी पड़ती है। और ऐसे करके हम हैचिंग, सिर्फ इसमें हैचिंग करिए, क्रॉस हैचिंग नहीं की है। और हमारी ये पूरी ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी, हमारा फ्रूट कंपोजिशन।